इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। तो भाई ये बंदा इतना लेट आ रहा है ना भाई साहब, माँ कसम इतनी देर से खड़ा हूँ मैं, कम से लेके हेलमेट लेके खड़ा हुआ। अभी तक अगर मैं खुद भी सीखने चलता ना तो सीख जाता। आओ बंदे ने हेलमेट ले लिया। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े फॉसिल पार्क में। ये है हमारे ड्राइवर, क्योंकि भाई मेरे को बाइक चलानी नहीं आती बिल्कुल भी, तो ये भैया आज हमारी ड्राइविंग करेंगे। तो वो हमारी व्हीकल है, हम आपको दिखाते हैं, जरा रुक जाओ। हायाबुसा ये है हमारी हायाबुसा, देख सकते हैं आप एकदम एलोए भी और कुछ। चलिए भाई इसी पे आज हमको जाना है, कोई बात नहीं। जय माता दी। चलो सुबह से वेट करा रहा था और अब क्या कर रहा है, पैटीज खा रहे हैं इधर बैठ के। बहुत बड़ा धोखेबाज है ये, इतनी देर से फोन कर रहा था मैं इसको और ये ठा नहीं रहा था। चलो भाई हम चल पड़े हैं। साइलेंट है भाई, अब इसका फोन साइलेंट है, कोई बात नहीं गाइस साइलेंट है। भैया हमको जाना है, पहले तो सिलेंडर भी भरवाना है, देख पा रहे होंगे आप इतना भारी सिलेंडर तो गुद्दी में है। फिर भी पहले हम सिलेंडर स्टेशन जाएंगे, मतलब वहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे सिलेंडर, और शाम को जब हम आएंगे तो इसको लेके आएंगे साथ में। फिलहाल हम चलते हैं काले आम की तरफ। लोगों से कागज पे दस्तखत ले लो लाला। तो भाई अब हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। तो भाई बर्गर वर्गर खा रहे थे, थोड़ा है ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हो गया और खाना नहीं खाना बस। चलो भाई चलते हैं गाइस, अब चलते हैं हम मेन मकसद की तरफ, अपने कपड़े लेने हैं अपने लिए। अभी थोड़ा ट्रैफिक कम है भैया जी, बाइक लेके आए हैं हम। भूल गए क्या? बंदे भूल गए बाइक के साथ आए हैं हम भाई। चलो गाइस मिलते हैं आपको कपड़ों की दुकान पे, आपको दिखाते हैं हमने कपड़े भी लेने हैं। शॉपिंग करनी हो तो आ सकता है भाई यहाँ पर, तो ही कपड़े ही कपड़े। आप लोकेशन देख सकते हो, काले आम मेन बाजार आ सकते हैं जब मर्जी। कपड़े ही कपड़े ये है यहाँ के, ओनर बैठे हमने यहीं से अभी भी 1500 रुपये की शॉपिंग कर ली भाई। ओके बाय बाय टाटा। ये हम दुकान पे देख लो पीछे, ये देख लो भाई क्लोथिंग की दुकान है। यहाँ पे तो भर भर के है क्लोथिंग, किसी ने कपड़े वगैरह लेने हो तो काले आम से बेस्ट जगह नहीं है कोई इधर। तो भाई यहाँ देख लो पुल की हालत, कतई कच्चा है यहाँ भी। ओ देखो बेटे ये सारा रोड ही था, यहाँ से पुल ही था, अभी भी पता नहीं क्या हुआ इसको, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मतलब दोबारा। तो भाई बम्पर ही बम्पर रह रहे ये देख। और जब आपके पास सिलेंडर हो जैसे कि ये मेरी गोदी में भैंस यहाँ, तब तो और ज़्यादा प्यार आता है इस रोड पे। धूल ही धूल गए तभी बोलते हैं मास्क पहन के रखो बिना कोरोना के भी, जस्ट इतनी धूल है आपको पता है सांस लेते हुए आपको कितनी धूल कंज्यूम करनी पड़ती है। सही ये हमारे की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रब है। बंदे ने अपना हेयर स्टाइल बचा लिया है। टेस्ला ऑन द फ्लोर भंडारा था रात को, भंडारा जागरण होगा। मैं कह रहा कौंत्रो गाइस 3 किलोमीटर दूर है इधर से, कौंत्रो यहाँ से ही तो आवे रवि। और आपको हम दिखाएंगे पुराने जमाने के जानवर जब होते थे कभी, डायनासोर। ओहो बताई देख सकते हो भाई बढ़िया मेंटेन कर रखा वन विभाग। हम पहुंच गए जस्ट यहीं पे मतलब बिल्कुल पार्क में, तो अभी थोड़ा सा हम टहलने जा रहे हैं जंगल में। हमारे साथ है हमारे ब्रो जो थे आज के ड्राइवर, क्योंकि मुझे तो आती नहीं ड्राइविंग भाई, हंस लो चाहे जो मर्जी कर लो भाई, मेरे को तो आती नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। अब मुझे नहीं आती तो नहीं आती हो, तो बस फिर चले हैं हम। अब देखते हैं यहाँ, देख सकते हैं आप भाई बाइक वाले लौंडे, बुलेट वाले भाई लोग, ये देव है और क्या भाई। देख लो अपने क्लासमेट बुलेट लेके भाग रहे कतई, बस भाई गेड़िया ही गेड़िया। आपको दिखाता हूँ मैं,
घूम फिर लिया बहुत ज़्यादा। देखो तो भाई पूरा जंगल घूम के आ गए हम, अब जा रहे हैं मेन पार्ट की तरफ जहाँ के लिए हम आज आए हुए। पूरी बात लगी मुझे कि अंदर जहाँ पे मेन उसके फॉसिल मतलब पड़े हैं ना, हड्डियाँ बोलते हैं जो पुरानी, वो पड़ी वहाँ नहीं घुसने देते हैं। देखते ट्राई करते हैं, जाने देंगे ठीक है। नहीं हेलमेट ना चोरी हो गया, हेलमेट उधर ही था भाई हमारा। अब ऊपर वाला है शिवालिक फॉसिल पार्क, और ये है एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा इजीली बिना मास्क के। ऐसा क्या है ये पढ़ना आता है, ये पढ़ लो क्या है। और ये बंदा देख लो मास्क के अंदर हम मना, तो ये देख सकते भाई आप बने हुए कितने बड़े बड़े मूर्ति हिप हॉप प्रोटाइम सिविलियंस। अच्छा ये पुराने टाइम के हिप हॉप बड़ा मैं चलती विकसित जाती हूँ। अब बच्चे हमारे पास नॉर्मल वाले साइज देखना था आपको कितना होता है नॉर्मल इंसान के मामले में। ये तो बच्चा लग रहा मुँह में आ जाएगा ये तो, ये देख लो भाई बिल्कुल ही। चलो आपको इसके बारे में और बताते हैं हम। सामने जैसा कि लिखा हुआ है दरियाई घोड़ा हेक्सा प्रोटायन, पता नहीं क्या साइंटिफिक नाम है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, आप पढ़ लिखते हो तो पढ़ लो। ये नहीं यार, ये देख लो भाई ये कौन सा जानवर है, शिवाथीरियम जाइगेंटियम, इसका कुछ साइंटिफिक नाम है। जिराफ विलुप्त चार संदिग्धारी है क्या सिंहधारी जिराफ। तो भाई यहाँ आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पे ये है जो अब विलुप्त हो चुका है बिल्कुल ही, देख लो साइज अल्टीमेट साइज। ओ भाई देखिए मतलब मेरे से डबल है भाई इसकी हाइट। ओम फो कतई साइज कंपैरिजन प्रोमे खंज खंजर दांती बाघ, अच्छा मतलब तेज दांत वाला बाघ। एक दांत टूट गया गाइस इस खंजर दांत वाले का, एक दांत गायब हो गया भैया। ये देख सकते दोनों एक दूसरे को कितनी गौर से देख रहे हैं भाई, ये लड़ने वाले देख लो भाई। बैकवर्ड भी देख लो, ये बच्चा है गाइस इसका बिल्कुल छोटा सा बच्चा। चलो गाइस हम थोड़ी सी फोटो शूट करते हैं फिर मिलते हैं ब्लॉग। अब मैं इस चीज़ मतलब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। फिर भी हम ले गए हैं मतलब चुपके से कैमरा ले गए थे अंदर, और फिर भी थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश की है हमने। तो देखते रहिए आप, जो भी आपको दिखता है उसके बारे में आप देखते रहिए, मतलब हम कुछ बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली। और अगर आपको कभी आना हुआ यहाँ पे देखिए तालाब है, यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है बड़ी है, ऐसे ही है हाथी। ओह माय गॉड इतना बड़ा हाथी नहीं डायनासोर भी देख लेंगे अंदर जाके। ये क्या चीज़ है, इसकी खोपड़ी है वो है, ये असलियत में हाथी खोपड़ी है क्यों। ओ भाई हाथी का साइज देख लेगा, खड़ा ही जाइए जा सामने खड़ा। हाँ इससे तो तीन गुना ऊपर है ये हाथी, अगर आज के टाइम में अवेलेबल होते ना। देख सकते उस हाथी का सिर है पत्थरों में प्रिजर्व हो गया था बिल्कुल, बट ये फिर भी इसकी थोड़ी बहुत ये अभी भी प्रिजर्व है पत्थरों में। और सिर का साइज देख सकते आधा सिर है आधा दूसरा है, फिर भी एक बार देख सकते हैं भाई कितना बड़ा हाथी। अब इसका विलुप्त दैत्याकारी जॉइंट एलिफेंट, भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लो और जो कहते हैं हिंदी वाले वो हिंदी पढ़ लेना। गणेश ओ भाई गणेश भगवान जय हो श्री गणेश। शिवालिक क्षेत्र में पलायो में 15 साल पूर्व में लगभग ज़्यादा प्लॉट, भाई जिसको कुछ पढ़ना होगा ना वो पॉज कर लेना वीडियो को, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं इनकी जानकारी। आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज हमको अंदर तो मना कर दिया कैमरे के लिए, आपको दिख रहा होगा जैसा कि उन्होंने बोला कि अभी ड्यू टू कोविड वो ऐसे मतलब अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे पाते, बट कैमरा लेके तो सख्त मना है। अगर आप जा सकते हैं तो बिना कैमरे के तो जा सकते हैं, बट कैमरे के साथ जाओगे तो मना करेंगे। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं लौंडे फिर मिलते हैं। ये बंदा बहुत नाइस है, लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो इसके, चलते हैं बाय बाय लाइक। We'll be right back.